स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज कि अगर आप सभी फ्लेक्सी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इसके अंदर कैसे आप सभी अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहां से आप सभी को 50,000 से लेकर के मैक्सिमम आप सभी को 1 करोड़ रुपए तक का यहां पे लोन मिल जाता है। बिजनेस लोन अगर आप सभी ग्रोथ करने के लिए लेना चाहते हैं तो वो लोन भी यहां पे आप सभी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप सभी इससे लोन लेना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों अगर आप सभी आधार कार्ड पैन कार्ड आप सभी के पास है तो भी आप सभी यहां से लोन ले सकते हैं। तो कैसे आप सभी अप्लाई करेंगे वो सारा तरीका इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं किस प्रकार से आप सभी लोन के लिए आवेदन करेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस प्रकार से है, आप सभी फ्लेक्सी लोन लिख करके सर्च करेंगे तो इसका लोगो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आप सभी को इंस्टॉल करना है, यहाँ इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करके इसको आप सभी इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.7 का इनका रेटिंग है जो कि तकरीबन 10,000 से प्लस लोग अभी तक रिव्यू कर चुके हैं। वहीं इनका डाउनलोडिंग की बात करें तो 5,00,000 से प्लस लोग अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। रेटिंग की अगर बात करें तो नीचे आकर के रिव्यू भी इनका पढ़ सकते हैं, 4.7 का जो कि रेटिंग मिला हुआ है। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप सभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी को टर्म एंड कंडीशन पहले जान लेना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंटरेस्ट क्या आप सभी को आने वाला है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेगा, पेपरलेस यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, सारा कुछ आप सभी का ऑनलाइन ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस तो इस एप्लीकेशन से मान लीजिए सिंपल 3 स्टेप में आप सभी यहाँ पे जो कि लोन को ले पाएंगे। डाउनलोड करना है, उसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, बैंक अकाउंट डालेंगे और आप सभी को अमाउंट जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन से आप सभी को मिनिमम जो है 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है ये एप्लीकेशन। लोन टेनर की बात करें तो 3 मंथ से लेकर के 24 मंथ का आप सभी को समय मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें 1% से लेकर के 2% आप सभी को मंथली जो कि यहाँ पे लगेंगे। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2.5% यहाँ पे आप सभी को प्रोसेसिंग फीस जो कि लगेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सभी यहाँ से 10,00,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आप सभी के अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा 9,71,020 रुपये और आप सभी को प्रोसेसिंग फीस लगेंगे यहाँ पे GST मिलाकर के 26,600 रुपये। आप सभी का मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा गाइज 51,667 रुपये का आपका मंथली EMI बनेगा जो कि 24 मंथ के लिए ये लोन आप सभी को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप सभी यहाँ पे 10,00,000 का लोन लेते हैं तो कुछ इसी तरीके से आप सभी को भी आएगा, 10,00,000 का लोन लेंगे तो चलिए मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है गाइज आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप सभी चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फिल ऑनलाइन फॉर्म आप सभी को करना है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, उसके बाद क्रेडिट एनालिटिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सभी को लोन जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो नीचे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस वाले में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन अलाउ करना होता है, कैमरा लोकेशन स्टोरेज, यहाँ नीचे आई एग्री वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सो गई तो यहाँ पे अब आप सभी को अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे कॉल आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सभी का लेगा। तो मेरा देख सकते हैं कि कन्फर्म हो गया है, ऑटोमेटिक कॉल आएगा और यहाँ से ले लिया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ले चुका है यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग OTP वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सो गई तो अब यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मेरा OTP आ गया हुआ है तो उस OTP को आप सभी यहाँ पे डालेंगे एंड सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे नाम फिल करना है, जो आप सभी के पैन कार्ड पे नाम है वही नाम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद एक ईमेल ID यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर दिए रहेंगे वो यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा, इस पर 4 डिजिट जो कि OTP आएगा, उस OTP को आप सभी को यहाँ पे डाल करके फिर से सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे सारा डिटेल फिल कर लिए हैं, चलिए सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ से अलाउ कर देंगे, लोकेशन अलाउ मांगेगा, यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने
कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। सो गाइस, तो यहाँ पे अब आप सभी देख सकते हैं कि इंटर द रिक्वायर लोन अमाउंट यहाँ 50,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक यहाँ पे आप सभी डाल सकते हैं। तो जितना आप सभी को चाहिए उतना यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे 50,000 ही डाल लेता हूँ। एक लोन एलिजिबिलिटी है, इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे तो करने के बाद कुछ देर यहाँ पे वेट में रहेगा, उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल जो कि आप सभी को फिलअप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल में, फीमेल है तो फीमेल में। उसके बाद यहाँ पे आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी का मंथली सेल्स ऑफ योर बिजनेस क्या है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस कितना साल पुराना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अगर 2 से 5 वर्ष के बीच का है तो ये करेंगे, यानी कि जितना है यहाँ पे आप सभी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे अब आप सभी को करेंट बैंक अकाउंट अगर आप सभी के पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप सभी के पास GST रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आप सभी को फिल करना है, तो आप सभी को बिजनेस पिन कोड जो है एरिया का बिजनेस पिन कोड होता है वही यहाँ पे फिल करेंगे, रेसिडेंस पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप सभी का खुद का मकान में अगर आप बिजनेस किए हुए हैं तो यहाँ पे ओनर वाले पे क्लिक करेंगे, रेंट पर रहते हैं तो यहाँ पे रेंट वाले में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस ओनरशिप में जो है सिलेक्ट कर लेंगे, रेंट पे है तो रेंट, या फिर खुद का है तो ओनर वाले पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप सभी को अपना पर्सनल पैन नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आप सभी का बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर्ड तो किस चीज़ से रजिस्टर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सभी का प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ करेंगे, पब्लिक लिमिटेड है तो इस वाले में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं कि 2 कम्प्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी आगे का स्टेप जो कि यहाँ पे कम्प्लीट कर लेंगे, जैसे ही आप सभी को लोन अमाउंट मिल जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसे कुछ इस प्रकार से लिख के आप सभी के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लोन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताया हूँ। बस इसी तरीके से आप सभी इस एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर लेंगे और लोन ले सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे अभी नहीं लूँगा, जैसे कि आप सभी को मिल जाएगा तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि 5 लाख रुपये का लोन जो कि यहाँ पे अप्रूव दिखा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी का अगर मिल जाता है, यहाँ पे लोन पास हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके से आप सभी को भी लिख कर आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन हैज बीन अप्रूव, इस तरीके से लिख करके आप सभी के सामने भी आ जाएगा। तो मैं दोस्तों आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताया हूँ क्योंकि मुझे अभी फिलहाल लोन नहीं चाहिए। तो अगर आप सभी बिजनेस किए हुए हैं, बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है RBI एंड NBFC दोनों से यहाँ पे रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। आप सभी देख सकते हैं कि फ्लेक्सी इज RBI रजिस्टर्ड NBFC है। तो आप सभी इस एप्लीकेशन के अंदर बिंदास जो कि बिजनेस अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सभी आसानी से जो कि लोन ले सकते हैं, काफ़ी मस्त एप्लीकेशन है। तो मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताया हूँ। अगर आप सभी को चाहिए तो इसी तरीके से आगे आप सभी अपना बैंक अकाउंट ये सब ऐड करेंगे, लोन ऑफर मिल जाएगा सेलेक्ट करेंगे और आप सभी के बैंक अकाउंट में जो कि 48 घंटा के अंदर ये अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।